हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम इसको स्टेप समझते हैं, स्टेप बाय समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, क्या कहता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास रो है प्रत्येक रो में से, जैसे ये रो है हमने फर्स्ट रो सेकंड रो, इस रो में फर्स्ट रो में से इसका मिनिमम एलिमेंट है वो हमें माइनस करना है हर एलिमेंट में से। तो हम टेबल नंबर फर्स्ट बनाते हैं। यहाँ ए बी सी डी ई एफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स। अब फ्रेंड्स हमें करना है पहली रो में से प्रत्येक, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, नाइन। तो नाइन को माइनस करना है फिर हर रो में से, हर एलिमेंट में से, इस रो के हर एलिमेंट में से नाइन को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो, थर्टीन, यहाँ पे से माइनस किया तो 49, टू, 10, 5। इस तरह इसमें से इसमें देखते हैं सबसे मिनिमम कौन सा है। सबसे मिनिमम है इसमें फ्रेंड्स 43, तो 43 को माइनस करना है। तो 43 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा जीरो, 35, 29, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 78 है, 78 है, तो ये 35 आ जाएगा, ये 29, यहाँ 7, 25, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इस रूम में से देखते हैं इस रूम में सबसे मिनिमम क्या है हमारे पास, ये है 28। तो 28 को माइनस करना है हर एलिमेंट में से। तो 41 में से 28 गया तो ये अपने पास बच गया 13। इसी तरह 0, 63, 91 में से ये गए तो 63 बच गया, 9, 17 एंड 5। अब फिर हम इसमें से देखते हैं फ्रेंड्स इसमें सबसे मिनिमम कौन क्या है, 27। तो 27 को माइनस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 47, 15, 0, 22, 12, 3। अब फिर इसमें से देखते हैं तो इसमें सबसे मिनिमम है 11। तो 11 माइनस करना है तो 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, 0, 46, 11, या 22 में से एक गया तो 20, ये आ गया 14 एंड 7। अब फ्रेंड्स लास्ट वाली रो में देखते हैं, लास्ट वाली रो में सबसे मिनिमम है 3। तो 3 को हमें माइनस करना है तो यह आ जाएगा 0, यहाँ पे माइनस किया तो यह आ जाएगा 53, इसी तरह 53, 50, 28, 14 एंड ये आ जाएगा मेरे पास 25। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं अगर रो में इस तरह करने पे हमारे पास हर कॉलम में 0 आ जाए तो हम अगला स्टेप जो हमने इस स्टेप के बाद, पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हर कॉलम में 0 होना चाहिए। अब हर कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम में 0 है हमारे पास, इस कॉलम में 0 है, इस कॉलम में 0 है, लेकिन इस कॉलम में 0 नहीं है, इस कॉलम में 0 नहीं है और इस कॉलम में 0 नहीं है। ये तीन कॉलम हमारे पास ऐसे आ चुके हैं जिनके जिनमें 0 नहीं है। तो अब इनमें 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हर कॉलम का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको माइनस करना है। तो अब इसके पास टेबल सेकेंड बनाते हैं, टेबल सेकंड बनाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, ए बी सी डी ई एफ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हर कॉलम में से मिनिमम को माइनस करना है। तो इस कॉलम में देखते हैं तो इस कॉलम में 0 मिनिमम है, तो 0 को माइनस करने से हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 0 0, 13, 47, 25 एंड 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं इसमें भी हमारे पास 0 है तो इसको इसमें से 0 माइनस करने पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये 13, 35, 0, 15, 0, 53। अब इसमें देखते हैं हम सबसे मिनिमम, तो इसमें भी 0 है हमारे पास तो ये आ जाएगा 49, 29, 63, 0, 46 एंड 50, ये आ गया। अब फिर इसमें देखते हैं इसमें 0 नहीं है, इसमें सबसे मिनिमम है 2 है हमारे पास, 2 है जो हमारा मिनिमम है। तो 2 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, सॉरी 0,
5, 7, 29, 26 ये आ गया। अपने इस कॉलम में देखते हैं, तो इस कॉलम में हम देखते हैं जो 10 है वो सबसे मिनिमम है, तो 10 को जीरो करना है हमें, 10 माइनस करना है, तो ये जाएगा जीरो, ये आ जाएगा हमारे पास 10, 7, 2, 4, 4। अब फिर इसमें देखते हैं तो 3 इसमें सबसे मिनिमम है, तो 3 को माइनस करना है, तो 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2, 2, 0, 4 एंड 22। फ्रेंड्स हमने इसमें एक मिस्टेक की है, यहाँ पे हम जो माइनस कर रहे थे तो यहाँ 3 नहीं था, यहाँ पे 5 था, क्योंकि हमने इस थर्ड रो को हमने 27 से माइनस किया था, 27 ये 5 आएगा, तो ये 5 रहेगा, तो ये भी 5 रहेगा यहाँ पे, तो ये 5 माइनस करना है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर 0, यहाँ में हमारा 2 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा, ये आएगा फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इनमें इन जीरो को इस तरह से काटते हैं, पहले हम इसमें एंट्री भर लेते हैं, तो एंट्री भर लेते हैं, रो वाइज एंट्री चालू करते हैं, जैसे रो वाइज इसमें देखते हैं हम, तो हम रो में अगर इस रो में देखते हैं तो इस रो में 1, 2, 3, 4 जीरो है, इस जगह पर हम एंट्री कर देते हैं, हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, तो इस रो की सॉरी फ्रेंड्स इसमें हमारे पास 1, 0, 2 इसमें हमें एंट्री नहीं की, अभी जीरो है, इस रो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 जीरो है, तो हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते। फिर हम इस रूम में जाते हैं, तो इस रूम में हमारे पास 1 और 2 जीरो है, तो इसमें भी एंट्री नहीं कर सकते। फिर इसमें जाते हैं, तो इसमें भी हमारे पास 2 जीरो है, तो एंट्री नहीं कर सकते। अब फिर इसमें जाते हैं, तो इसमें भी हमारे पास रूम में 2 जीरो है, तो इसमें भी एंट्री नहीं कर सकते। अब इसमें जाते हैं, तो इसमें हमारे पास 1 जीरो है, तो हमने इस रूम में सबसे पहले एंट्री कर दी है अपने। इस रूम में हमारे पास एंट्री करने के बाद अब देखते हैं इस कॉलम में कोई और जीरो है, तो हम उसको काट देंगे, इस कॉलम में जीरो है ये, तो इसको काट दिया। अब फिर हम इसमें जाते हैं, तो इसमें भी 1 जीरो है, तो इस कॉलम के बाकी जो जीरो हैं उनको हम काट देंगे, ये काट दिए हमने। अब उसके बाद देखते हैं हम कॉलम वाइज, अब इस कॉलम में देखते हैं हम कोई जीरो हमें कोई भी हमारे पास जीरो नहीं है जो हमें टिक नहीं की हो, इसमें भी हमारे पास कोई जीरो नहीं है जिसमें टिक नहीं की हो, लेकिन इस कॉलम में देखते हैं तो यहाँ पर 1 जीरो है, तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी, तो इस कॉलम में यहाँ पर हम जीरो कॉलम वाइज हमने एंट्री किया, तो इसके रूम में जो भी जीरो आएंगे उनको हम काट देंगे, इसको काट दिया। अब फिर हम इस कॉलम में जाते हैं, इस कॉलम में देखते हैं यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दी, बाकी इस कॉलम में जो भी जीरो आएंगे उनको काट देंगे, सॉरी इस रो में जो भी जीरो आएंगे, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे। उसके बाद हम इसमें जाते हैं, तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी जीरो नहीं बची, क्योंकि ये जीरो को हम पहले ही काट चुके हैं, तो इसमें कोई जीरो नहीं है। अब फिर हम इसमें जाते हैं, तो इसमें 2 जीरो हैं हमारे पास, तो फिर इसको हम नहीं भर सकते, लेकिन फिर हम अब ये हमारे पास 2 जीरो ऐसे रह गए जिन पर हमें कोई साइन नहीं किया है, क्योंकि हम कॉलम वाइज जाते हैं, तो इसमें भी 2 जीरो है हमारे पास। फिर से हम रो वाइज जाते हैं, तो रो वाइज में देखते हैं इसमें हम पहले ही टिक कर चुके हैं, फिर से हम इसमें जाते हैं, इसमें हमारे पास कोई भी इस तरह से जो स्क्वायर है उसमें 0 नहीं लिया हमने, तो इसमें ले लेंगे, यहाँ पर हमने एंट्री कर दी, तो इसको हमें काटना पड़ेगा, ये हमने काट दी। अब फिर हम देखते हैं कि सभी रो और सभी कॉलम में 0 आ चुके हैं या नहीं, तो सभी रो या सभी कॉलम में 0 आई हैं या नहीं, ये देखने के लिए इस रो में देखते हैं इसमें 0 आ चुकी है, इसमें आ चुकी है, इस रो में हमारे पास ऐसी कोई जीरो नहीं है जिस पे हमने स्क्वायर किया हो, यानी जहाँ पे हमने एंट्री की हो, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास जीरो नहीं है, तो ये टेबल हमारे पास ऑप्टिमल टेबल नहीं है। अब इस टेबल को ऑप्टिमल बनाने के लिए हमें इसमें जीरो और जीरो को इस तरह से काटना है, जीरो को या तो हम रो वाइज काटे या कॉलम वाइज काटे, जिस तरह भी काटे, जैसे हम इस रो को हम लेते हैं, तो हमें इस तरह काटना है कि ये जीरो सभी ढक जाए और लाइनों की संख्या मिनिमम हो, इस तरह से काटना है हमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस तरह से लें इस रो वाइज, तो इसमें 1, 2, 3 जीरो हमारे पास आ जाती हैं, और अगर इसमें लें 1, 2, 3, 4, तो ये 4 जीरो हम पहले ये ले लेते हैं, इस तरह से हमने काट दी। उसके बाद हम इसमें जाते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 जीरो आ जाती हैं, अगर पर हम यूँ जाते हैं इस कॉलम वाइज जाते हैं, तो 1, 2, 3 जीरो को हम काट पाते हैं, तो ये काट दिया हमने यहाँ से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज आए, तो हम 2 जीरो को यहाँ से काट सकते हैं, ये काट दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम यूँ जाएँ इस रो बच जाएँ या इस रो बच जाएँ, वो देखने के लिए हम देखते हैं, तो अगर हम इस तरह से जाएँ, हम इस कॉलम बच जाएँ, तो इस कॉलम बच हम 2 जीरो काट सकते हैं, लेकिन इससे हम एक ही कॉलम काट सकते हो, हम ज़्यादा बार हम ज्वाइन करेंगे, ये ले लिया हमने 2 काट दी।
अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यूँ जाएँ तो हमारे पास हम 1-0 काट सकते हैं, और अगर इस रो बाद जाएँ तो भी हम 1-0 ही काट पाएंगे क्योंकि हमको पहले ही काट चुका है हम। और हम देखते हैं इसमें कोई जीरो नहीं है, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो हमने इसको चूज कर लिया। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ये इसी का प्रारूप रेडी करना है हमें। तो प्रारूप होगा वो इस तरह से होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, ABCDEF ये होगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं जिन जीरो पे हमारे पास क्रॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन बन रहा है, यहाँ प्लस का साइन बन रहा है, वहाँ पे तो हम नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मिनिमम नंबर, जो कि हमारे पास जीरो ढके हुए पॉइंट्स नहीं है उनमें मिनिमम देखते हैं। तो इनमें मिनिमम देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 4 है ये जो मिनिमम है हमारे पास। अब फ्रेंड्स 4 को इसमें से माइनस करना है, इन सभी में से माइनस करना है जो कि ढके हुए नहीं हैं, उनमें से मिनिमम करना है जी। और जो हमारे पास जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, 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 वहाँ पे 4 को ऐड कर देना है। और जहाँ पे सिर्फ ढके हुए हैं पर क्रॉस नहीं हो रहा है उनको हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम टेबल बनाते हैं, तो ये हो जाती है हमारे पास टेबल। यहाँ पे हमें ऐड करना है 4 को, तो पहले 4 को ऐड किया, यहाँ पे भी हमें 4 को ऐड करना है, तो ये हमारे पास 17 हो गया। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे रहेगा 49, यहाँ पे रहेगा 0 0, लेकिन यहाँ पे ऐड करना होगा हमें 4 क्योंकि यहाँ क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ पे भी ढका हुआ है, सिर्फ ढका हुआ है, तो ये 0 रहेगा, ये हमारे पास 35, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये ढके हुए नहीं है, 0 लाइनों से ढके हुए नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस कर देना है 4 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 16। और यहाँ पे हमारे पास ये ढके हुए हैं पर क्रॉस नहीं है, तो ये 0 रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब फिर इसमें जाते हैं से थर्ड रो में, तो ये 13 और 0 ये सब ढके हुए हैं लेकिन क्रॉस नहीं हो रहे हैं कहीं पर भी, तो 13 रहेगा ये, और ये रहेगा हमारे पास 0। यहाँ पे हमें 4 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 59 3 3 एंड 0, ये ढका हुआ है लेकिन क्रॉस नहीं है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, और ये 3 जगह ढके हुए हैं फिर क्रॉस है, तो जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे तो हमें ऐड कर देना है 4, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 51, यहाँ पे हो जाएगा तो 19, यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ढका हुआ है तो ऐसे ही रखना है 0 22 एंड यहाँ पे ऐड करना है तो ये 4 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम ई में, तो इसमें हमें यहाँ पे सिर्फ ढके हुए हैं, तो यहाँ पे 25 ही रखना है, 25, यहाँ पे हमारे पास ढका हुआ है तो ये 0 रखना है, ये इसमें माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 4 42, ये हो जाएगा 5 0 एंड ये सिर्फ ढका हुआ है तो 2। और अब इसमें देखते हैं लास्ट में, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, तो 0 एंड 53, लेकिन यहाँ पे हमें 4 माइनस करना है, तो ये 46 22 0 एंड 20। अब फिर से देखते हैं हर रो में और हर कॉलम में 0 होना चाहिए, तो इस रो में हमारे पास 0 है, इस रो में हमारे पास 0 है, इस रो में हमारे पास 0 है, इसमें भी हमारे पास 0 है, इसमें भी हमारे पास 0 है, इसमें भी हमारे पास 0 है। और अब कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम में 0 है, 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 इस कॉलम में भी 0 है। तो फ्रेंड्स हमारे पास हर रो और हर कॉलम में 0 है। तो फ्रेंड्स अब फिर से एंट्री करते हैं, तो हम एंट्री करते हैं इस कॉलम में, इस रो में अगर एंट्री वाइज रो वाइज हम एंट्री चालू करें, तो रो वाइज इस रो में एंट्री करते हैं, तो ये हमारे पास नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 2 0 है इस रो में, तो इसमें हम एंट्री नहीं कर सकते सबसे पहले। अब फिर बी में एंट्री करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर भी इस रो में 2 0 है, नहीं कर सकते एंट्री। सी में एंट्री करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर भी 2 0 है, एंट्री नहीं कर सकते। डी में अगर ट्राई करें, तो डी में हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इस रो में 1 ही 0 है, तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी। तो इस बार इस कॉलम में देखते हैं, जहाँ जिस रो में एंट्री किए उसके बाद हम कॉलम में देखते हैं, अगर कोई 0 हो तो उसको हम काट देते हैं, लेकिन इस कॉलम में हमारे पास कोई और 0 नहीं है तो उसको नहीं काटेंगे। अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें जाते हैं, तो इसमें हम नहीं कर सकते एंट्री क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 2 0 हैं। अब इस रो में जाते हैं, तो इस रो में भी हमारे पास 2 0 हैं, तो एंट्री नहीं कर सकते हम। अब फिर हम कॉलम वाइज जाते हैं, तो कॉलम वाइज यहाँ 0, यहाँ पे भी 2 0 हैं। अब इसमें जाते हैं, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 हैं, तो इसमें एंट्री नहीं कर सकते, इसमें हम एंट्री पहले ही कर चुके हैं। अब फिर हम इसमें जाते हैं, तो इसमें हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 ही 0 है ओनली, ये हो गया।
अब बाकी इस कॉलम वाइज हमने एंट्री किए, तो इसरो की सारी जो जीरो है उनको हम काट देंगे, इसको काट दिया हमने। अब फिर हम इससे इस कॉलम में जाते हैं, इस कॉलम में दो जीरो नहीं कर सकते एंट्री। अब फिर इस कॉलम में जाते हैं तो इस कॉलम में भी हमारे पास दो जीरो है, नहीं कर सकते एंट्री। फिर से हम फ्रेंड्स रो वाइज जाते हैं, तो रो वाइज देखते हैं, तो इसमें हम एंट्री कर चुके हैं पहले, इसमें हमारे पास दो जीरो हैं, इसमें देखते हैं इसमें दो जीरो हैं हमारे पास, इसमें हम एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पर दो जीरो हैं, यहाँ पर दो जीरो हैं। अब फिर से हम देखते हैं हर कॉलम में हर रो में दो जीरो हमारे पास हैं, तो अब जैसे यहाँ पे भी देख लो, इस कॉलम में दो जीरो, इस कॉलम में दो जीरो, इसमें हम एंट्री कर चुके हैं, इसमें एंट्री कर चुके हैं, इसमें दो जीरो, इसमें दो जीरो। अब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ चुकी है जब हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कॉलमों में हमारे पास एंट्री करने के लिए कम से कम एक एक ही जीरो होनी चाहिए, या तो रो में एक जीरो हो या कॉलम में एक जीरो हो, लेकिन हमारे पास यहाँ ऐसी कंडीशन आ चुकी है हर रो में और हर कॉलम में दो जीरो हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एक रो एक जीरो को हम एग्जे अपनी तरफ से चूज कर लेंगे, मतलब केस फर्स्ट बना लेते हैं, केस फर्स्ट, और मैट्रिक यही टेबल बनाते हैं। अब केस फर्स्ट, अब पहले तो इसी टेबल में कर लेते हैं हम, पहले पहले हम जैसे इस रो में, सेकंड रो में हम इस जीरो को चूज कर रहे हैं, हमने मान लिया कि हमने रैंडमली चूज कर लिया और इसको काट दिया, हमने इसको चूज नहीं किया, तो हमने इसको जीरो, इस जीरो को चूज कर लिया, इसको काट दिया, और तो फिर हमने इस रो बाद जीरो को चूज किया है, तो इसको काट देना होगा हमको। अब फिर हम देखते हैं अब इस रो में जाते हैं, तो इस रो में दो दो जीरो हैं, इस रो में जाते हैं तो नहीं, इस रो में जाते हैं तो भी दो जीरो हैं, इस रो में जाते हैं तो अब एक जीरो बची हुई है यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गए चूज, तो इस कॉलम के ये बाकी हमें काट देंगे। उसके बाद अब फिर से हम कॉलम बाय जाते हैं, तो कॉलम बाय जाते हैं तो इसमें हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे भी जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम टिक कर चुके हैं और यहाँ पे हम काट चुके हैं इसको। अब इसमें जाते हैं तो इसमें दो जीरो हैं हमारे पास, अब इसमें जाते हैं तो इसमें कोई जीरो नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पहले एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास एंट्री वाली जीरो है और कोई जीरो नहीं है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एंट्री नहीं कर चुके हो, केवल एक जीरो बची हो जिसको हमें एंट्री कर सकते हैं, ये हो गया। अब ये हमारे पास एंट्री कर गया, तो अब देखते हैं फिर से हम रो वाइज देखते हैं, अब फिर रो वाइज देखते हैं, तो इस रो में हम कोई एंट्री नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्री हो चुकी है, इसमें एंट्री हो चुकी है, अब ये बचा है, तो इसमें हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें एंट्री करने के लिए, हाँ इसमें एंट्री की हमने, तो ये हमने एंट्री कर दी और ये जीरो हमारे पास कट गई। तो हमारे पास फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो में हमें एक टिक मिलना चाहिए, स्क्वायर मिल जाना चाहिए इस तरह का, तो हम वो देखते हैं। इस कॉलम में हमारे पास स्क्वायर है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में ये रहा, इस कॉलम में ये रहा। अब रो वाइज देखते हैं, तो इस रो में ये रहा, रो वाइज इसमें ये रहा, सी में ये रहा, डी में ये रहा, ई में ये रहा, एफ में ये रहा। अब फ्रेंड्स एक तो हमारे पास ये टेबल आ चुकी है, हमने हमने इसमें क्या चूज किया था, हमने इसमें चूज किया था, हमने पहले इसको अपनी तरफ से मान लिया था और इसको काट दिया था। अब हम कर रहे हैं इसमें सेकंड केस, अगर हम इस तरह से लें, जो पहले हमारे पास एक टेबल थी जो हमने काटी नहीं थी, उससे पहले जो टेबल थी ये हमारे पास इस तरह से थी, 4 0 13 51 0 17 35 0 19 0 53 49 25 59 0 42 46 0 1 3 20 5 22 0 6 3 2 0 0 4 0 0 4 2 0 20। ये फ्रेंड्स ये हमारे पास टेबल थी, और हमने क्या किया था उसमें, इसको रेंडमली चूज किया था और इसको काट दिया था। पर पहले हम उसी पॉइंट तक पहुंचते हैं जहाँ हमने, जहाँ पे हमारे पास कंडीशन आई थी कि हर रो में हर कॉलम में दो जीरो थी, पहले हम उसी पर पहुंचते हैं, तो उसी पर पहुंचने के लिए पहले इस रो वाइज देखते हैं, तो रो वाइज इसमें नहीं एंट्री कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें एंट्री कर सकते हैं, तो इसमें हमने एंट्री कर दी थी। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें एंट्री नहीं कर सकते, इसमें एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद कॉलम बाय देखते हैं, तो इस कॉलम में एंट्री नहीं कर सकते, इस कॉलम में एंट्री नहीं कर सकते, इस कॉलम में नहीं कर सकते, इस कॉलम में हम एंट्री कर सकते हैं और इसको काट देंगे, फिर इस कॉलम में हम एंट्री नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स हमारे पास वही कंडीशन आ चुकी है कि हमारे पास हर रो में और हर कॉलम में दो जीरो हैं। पहले हमने क्या था, इसको हमने रैंडमली चूज कर लिया था, कि हमने इसको रैंडमली चूज कर लिया था और इसको काट दिया था। अब हम कर रहे हैं, इसको चूज कर रहे हैं और इसको काट रहे हैं, तो इसको काट दिया और इसको रैंडमली चूज कर लिया हमने।
तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास फू। अब हम फिर से रो वाइज जाते हैं, तो ये चूज कर लिया हमने। फिर इस रो में जाते हैं तो इस रो में दो जीरो है हमारे पास, इस रो में हमारे पास जीरो एंट्री हो चुकी है, इसमें दो जीरो है हमारे पास, इसमें भी दो जीरो हैं। कॉलम वाइज जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं इसमें एक जीरो है, ये इसमें हम एंट्री करते हैं कॉलम वाइज गए हैं, तो इस रो इसको हमको काटना पड़ेगा। अब फिर से हम कॉलम वाइज जाते हैं तो इसमें दो जीरो हैं, हम नहीं चूज कर सकते, इसमें हमारे पास जीरो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें जाते हैं तो इसमें इसको हम चूज कर सकते हैं, और इस रो में जो भी चीज जीरो है उनको काट देना है हमें, ये काट दिया हमने। और फिर इस रो वाइज जाते हैं, इस कॉलम वाइज जाते हैं तो इस कॉलम में इसको चूज कर लिया और इसको काट दिया हमने। नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे तो हम पहले ही चूज कर चुके हैं, तो इसमें तुम चूज कर ही नहीं सकते, सॉरी। ये फ्रेंड्स ये जीरो हमारे पास सिंपल है। अब फ्रेंड्स हम फिर से हम रो वाइज जाते हैं, रो वाइज इसमें हम चूज नहीं कर सकते, इसमें हम चूज नहीं कर सकते, इसमें चूज कर सकते हैं, इसमें हमने इसको चूज कर लिया और इसको काट दिया हमने। नहीं इस रो में, हाँ फ्रेंड्स जब इसको हमने चूज किया था पहले, जब इसको हमने चूज किया था तो तभी ये कट गया था, जब हमने इसको चूज किया था उस टाइम पे ये कट गया था, ये अब यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं हर कॉलम और रो में कोई एंट्री है या नहीं। इस रो में एंट्री है, इस रो में एंट्री है, इस रो में एंट्री है, हमारे पास ये रही, इस रो में है, इस रो में है, इस रो में है। अब इस कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम में ये एंट्री रही, ये इस कॉलम में ये रहा, इस कॉलम में ये रहा, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा और इसमें ये रहा। तो हमारे पास फ्रेंड्स दो टेबल आ चुकी हैं और दोनों टेबल हमारे पास ऑप्टिमल हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वो होंगे हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ये होगा पहले, जो पहली टेबल है इस टेबल में जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, ए तो फोर्थ तक जाए, ए फोर पे जाएगा, बी सेकंड पे, बी फर्स्ट पे जाएगा, सी अपना सिक्स पे जाएगा, डी अपना ये जाएगा, डी जाएगा अपना थर्ड पे, ई जाएगा अपना सेकंड पे और एफ जाएगा अपना फिफ्थ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से इस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं। तो ये फोर पे जा रहा है, ये जा रहा है फोर पे, तो इलेवन, इलेवन प्लस बी अपना जा रहा है फर्स्ट पे, तो बी जा रहा है फर्स्ट पे, तो 43 प्लस सी जा रहा है अपना सिक्स पे, सी जा रहा है 48 प्लस डी जा रहा है अपना फ्रेंड्स थर्ड पे, तो 27 है। ई जा रहा है अपना, ई जा रहा है किस पे, सेकंड पे, तो ई 11 है। प्लस एफ जा रहा है, वो जा रहा है फिफ्थ पे, तो 17 है। अब फ्रेंड्स इनको ऐड करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये सी जो जा रहा है थर्ड, सी सिक्स पे जा रहा है और सिक्स की एंट्री है 33, तो ये 33 है अपने पास, 40 ये 33। अब इसको सम करते हैं तो ये सम आ जाएगा हमारे पास 142, ये आ गया। अब फ्रेंड्स इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, अभी नीचे वाले टेबल है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो देखते हैं तो ये जा रहा है हमारा ये ए बी सी डी ई एफ, ए जा रहा है अपना फोर्थ पे, बी जा रहा है अपना सिक्स पे, डी जा रहा है अपना सॉरी सी जा रहा है, सी सी जा रहा है सेकंड पे, डी जा रहा है अपना थर्ड पे, ई जा रहा है अपना, ई जा रहा है तो ये जा रहा है फिफ्थ पे और एफ जा रहा है वो जा रहा है फर्स्ट पे। अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पे इसमें एंट्री देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम एंट्री देखते हैं, तो ए फोर्थ, ए फोर्थ क्या है इलेवेंथ, तो ये हो गया इलेवन प्लस बी सेकंड, बी सॉरी बी सिक्स, बी सिक्स क्या है अपने पास 48, तो ये 48 प्लस सी, सी सेकंड, सी सेकंड क्या है, सी एंड सेकंड क्या है 28, 28 प्लस डी थर्ड, डी थर्ड क्या है, डी एंड थर्ड 27 प्लस ई, ई क्या है फिफ्थ, ई फाइव, ये क्या है 25, तो ये हो गया 25 प्लस एफ एंड फर्स्ट, एफ फर्स्ट यानी 3 ये। अब फिर स्क्वायर करते हैं तो ये आता है अपने पास 142। अब
अपने से हम दोनों कंडीशन में देख चुके हैं कि दोनों कंडीशन में हमने जब रेंडमली चूज किया तो ये यहाँ पर भी 42 आया था, 142, यहाँ पर भी 142 आया है। तो दोनों सो बोथ टेबल आर ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 142। फिर यहाँ से हमारे पास एक डिस्कस ये भी निकला है कि हमारे पास अगर केस हमारे पास दो केस हो सकते हैं, तो उन दोनों केसों के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमल टेबल होगी हमारे पास, जो ऑप्टिमल टेबल होगी या ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं सर, ऑप्टिमल वैल्यू, यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू है अपने पास, ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये है। एक तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है अपने पास, ए फोर बी सेकेंड सी थर्ड, ये है हमारे पास। और सेकेंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये है अपने पास, ए सिक्स बी से बी सॉरी ए फोर बी सिक्स सी थर्ड सेकेंड डी थर्ड ई फिफ्थ एफ सिक्स। यानी जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमारे पास जरूरी नहीं कि यूनिक हो, लेकिन जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो हमारे पास यूनिक होगी। ये फ्रेंड्स इसका निष्कर्ष निकलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नीड नॉट बी यूनिक बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज ऑप्टिमल वैल्यू इज ऑलवेज यूनिक। थैंक यू फ्रेंड्स।